वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा इन पे एंड ये है स्टीला के लिक्विड लिपस्टिक्स का ड्यूप एंड इन्हें मैं कितने महीनों से इंस्टाग्राम पे, इलानिक पे, ईबे पे भी मैंने इन्हें देखा है बट आई वांटेड टू परचेज इट क्योंकि जो ओरिजिनल स्टीला के लिक्विड लिपस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल है। मैंने यूट्यूबर्स पे देखा है, उनको आई लुक्स करते हुए देखा है तो इतना ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लगा। सो इलानिक पे मैंने जब उसे देखा लाइक एट अ चीपर कॉस्ट तो मैंने सोचा कि मैं उसे खरीद लेती हूँ। तो मैंने इन्हें इलानिक से खरीदा है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत टाइम से देख रही थी बट इंस्टाग्राम से कभी भी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। सो आई वॉज अ लिटिल डाइसी अबाउट दैट, सो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम से नहीं खरीदा है। तो मैं इलानिक पे देख रही थी तो मैंने लो टू हाई करके देखा, स्टीला लिक्विड लिक्विड आई शेडो टाइप किया था मैंने, लो टू हाई देखा तो जो प्राइस रेंज मुझे मिला एक वन पीस 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग था। तो दैट वॉज वन पीस अगर मैं खरीदने जाती वहाँ से तो मुझे मिलता 150 रुपीज़ का। सो लाइक मैं स्क्रॉल करती गई और मुझे ये 3 मिल गया 250 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग। सो मुझे ये टोटल जो कॉम्बो है ये मुझे 300 रुपीज़ में मिला। सो बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट मैंने लाइक मुझे ऐसे मैंने सुना था कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी भी क्वालिटीज़ होती हैं, उनका भी लेवल होता है। सो आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू बट मैंने लाइक चेक किया था एंड यही सेलर से नहीं, मैंने दूसरे भी सेलर्स का जो ओरिजिनल फ़ोटो उन्होंने डाला था वो मैंने कंपेयर किया था इस वाले सेलर से जो थोड़ा चीप में बेच रहा था। तो मुझे जो उनका ओरिजिनल इमेज लगा वो एकदम सेम टू सेम था। सो आई थॉट कि यहाँ पे चीप लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो मैं इसे खरीद लेती हूँ। सो मैंने इसे खरीद लिया एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में जो ये सेलर से मैंने खरीदा उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था 3 डिफरेंट कलर्स उसने मुझे मतलब मुझे नहीं, उसने अपने डिस्प्ले पे 3 डिफरेंट कलर्स रखे थे। सो मैंने उसे पहले खरीद लिया, उसके बाद फिर मैंने उसे एक दिन के बाद मैंने उसे लेकिन मैसेज किया कि क्या कलर्स मुझे मिलेंगे। सो ही सेड दैट वॉट एवर इज डिस्प्ले दैट यू विल गेट। सो मैंने उसको वापस से पूछा कि नहीं जस्ट टेल मी द शेड नेम सो दैट आई कैन गूगल कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं, तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया और कुछ दिनों बाद मेरा प्रोडक्ट आ गया। सो 7 to 8 days बाद मेरा प्रोडक्ट आ गया इलानिक से, तो इस तरीके का आया। एंड एक्चुअली ऑनेस्टली अभी ये वीडियो बनाने के कुछ 10-15 मिनट्स पहले ही मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। सो इस तरीके का है तो मैंने जल्दी से इसे ओपन कर लिया एंड जिस तरीके का उसने डिस्प्ले किया था कि मुझे 3 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे उस तरीके का बिल्कुल नहीं। मुझे जो ये दो शेड्स है, ये दो शेड्स का नाम है ट्विग, आई डोंट नो वेदर द कैमरा इज कैचिंग इट और नॉट क्योंकि बहुत शाइन हो रहा है। ये दोनों ही शेड सेम है एंड एक जो शेड है ये ग्रेस है एंड मैंने स्वॉच करके देख रही थी किस तरीके का प्रोडक्ट है क्या नहीं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके पैकेजिंग की। पैकेजिंग इस तरीके का है इसका, लाइक आई शो यू वन, ये इस तरीके का है एंड ऑल्सो इसे टर्न कर रही हूँ तो यहाँ पे स्क्रैचेस भी है एंड एवरीथिंग। सो अगर स्क्रैचेस नहीं भी होते तो भी ये जो प्रोडक्ट है ये एकदम लाइक समझ में आ रहा है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। लाइक ओरिजिनल यहाँ पे रखोगे, डुप्लीकेट यहाँ पे रखोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कौन सा ओरिजिनल है एंड कौन सा डुप्लीकेट है। ओरिजिनल की पैकेजिंग इतनी ब्यूटीफुल है, उसका क्वालिटी इतना ब्यूटीफुल है बट यू नो वहाँ पे आप प्राइस भी उतना पे कर रहे हो, ब्रांड भी अच्छा है एंड ये डुप्लीकेट है। सो इस तरीके का इसका पैकेजिंग है, बिल्कुल ही फ्लिम्सी है, बिल्कुल चीप क्वालिटी का इसका पैकेजिंग है। ऑल्सो पैकेजिंग के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ शेड नेम बस पीछे ही मेंशन है, ऑल्सो कितना क्वांटिटी है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, हु हैज़ मैन्युफैक्चर्ड इट, ये सारी प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं बट इस पे लिखा हुआ नहीं है। इवन इफ यू से दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर किसने किया है ये लिखते हैं लोग, बट हाँ आई अंडरस्टैंड वो लिखते हैं लोग बट एटलीस्ट ये तो लिखना चाहिए ना कि कब मैन्युफैक्चर हुआ है, वो भी इस पे नहीं लिखा है। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एट ऑल सेफ। अगर आप जानते ही नहीं हो कि कब मैन्युफैक्चर हो रहा है या कब इसको आपको फेंकना है, वो चीज़ें ही नहीं लिखी हुई है, तो विल दैट प्रोडक्ट बी सेफ टू यूज़ ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्किन एंड आई जैसी सेंसिटिव जगह पे, आप कहाँ से आए छोड़ो कोई भी स्किन का कोई भी पार्ट हो, इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव कि आप कुछ लगाओ आपका कोई रिएक्शन हो जाए। तो आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। लाइक मैंने देखा चेक करने के लिए कि क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दो सेम शेड्स भेज दी, उसी पे मतलब मुझे थोड़ा बहुत इरिटेशन हो गया। उसके बाद चेक कर रही थी तो कुछ मुझे मिला नहीं, तो फर्स्टली मैंने इनको स्वॉच कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी के अभी वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मैं बस बैठ ही गई वीडियो बनाने। सो जैसे कि मैंने बोला मुझे दो शेड सेम मिले हैं ट्विग, सो ट्विग मैंने यहाँ पे स्वॉच किया है, एक्चुअली ये दो स्वॉच किया है। सो ये इसका एक स्वॉच है
ये इसका दो स्वॉच है एंड स्वॉच करने के बाद इसको 1 मिनट तक लगता है ड्राई होने के लिए. उसके बाद ये बिल्कुल भी लाइक स्मज नहीं होता, बिल्कुल नहीं. लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्मज एज हार्ड एज पॉसिबल. ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, बिल्कुल स्मज नहीं होता है. नेक्स्ट है ये ग्रेस, इसका नाम है एंड इसे मैंने यहाँ पे स्वॉच किया है एंड यहाँ पे भी स्वॉच किया है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस शेड अगेन, ये 1 मिनट का ड्राइंग टाइम लेता है एंड ऑल्सो कि ये स्मज करने के बाद बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है. अगर आप ये इसलिए खरीदना चाहते हो, अगर आपको मन है ये खरीदने का, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु रियली लव द शेड, क्योंकि ये जो ट्विग जो शेड है कॉपर कलर का जिसमें शिमर है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है एंड जो ग्रेस शेड है ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द शेड्स एंड शेड देख के आपको खरीदना है, तो ये जो ट्विग वाला शेड है ये जैकलिन हिल के पैलेट में, जैकलिन हिल का जो ड्यूब का पैलेट है उसका मैंने रिव्यू किया है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, आई विल बी लिंकिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो वीडियो का लिंक होगा मैं डाल दूंगी. एंड टॉकिंग अबाउट दिस शेड, जो ग्रेस शेड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. आई नो 3 पैलेट्स जिनमें मेरा ये सेम ही शेड है. एक है आई हैड मेकअप का चॉकलेट रोज गोल्ड पैलेट, दूसरा है फ्रीडम का रॉक एंड रोल पैलेट एंड थर्ड है एलन ट्रेसी का एक पैलेट है, बट एलन ट्रेसी यहाँ पर मिलता है नहीं. तो अगेन जैकलिन हिल के पैलेट में भी अगर आप ये ऐसा शेड ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा. एकदम ब्लश पिंक सा है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा कलर है. सो फॉर दिस आप ये नहीं, मतलब ये खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली मैंने इन्हें खरीदा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक किटन कर्मा शेड है और एक स्मॉल्डरिंग समथिंग शेड है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर पार्टिकल्स थे. ये तो एकदम शिमर ही है, बिल्कुल ग्लिटर नहीं है. तो मुझे लगा था कि अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं कोई भी आई शेडो पर अगर वो लगाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. बट आई डिड नॉट रिसीव दैट कलर. एनी वे अगर मुझे मिल भी जाता तो जैसे मैंने बोला पैकेजिंग पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. सो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप ये खरीदो एंड बिल्कुल भी लाइक यू नो आपके स्किन के लिए ठीक नहीं है कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदो. ओके सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये जो प्रोडक्ट्स आएंगे तब मैं ये आई लुक करूँगी, वो आई लुक करूँगी एंड अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट्स को मेरे आईज पे यूज़ भी नहीं करूँगी क्योंकि इस पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कब मैन्युफैक्चर था, कितने टाइम तक आपको यूज़ करना है. तो बिल्कुल भी लाइक एडवाइजेबल नहीं है कि आप आपके आईज पे यूज़ करो एंड आईज जैसे सेंसिटिव जगह पे आप इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट मत यूज़ करो जो आपको पता है कि नो कुछ अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो यू नो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म. तो इवन मैं भी अपने आईज पे इसी वजह से इनको बिल्कुल भी स्वॉच नहीं करूँगी, कोई लेकिन आई मेकअप लुक कुछ भी नहीं करूँगी, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी नहीं करूँगी मेरे आँखों पे. सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना. अगर आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए बिकॉज आई अपलोड वीडियोज एवरी सिंगल डे. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.